दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं। एक सिविल इंजीनियर को, एक फ्रेशर इंजीनियर को, सिविल स्टूडेंट को, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को, नया फ्लैट्स खरीदने वाले को, हर एक इंसान को ये जानना जरूरी होता है कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कारपेट एरिया जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्लॉट एरिया किसे कहते हैं। तो कॉमनली प्लॉट एरिया को साइड एरिया भी कहा जाता है। प्लॉट एरिया को यानी साइड एरिया को चारों तरफ से बाउंड्री करके सीमित किया जा सकता है। आसान शब्दों में बताने जाऊं तो दोस्तों आपका जो साइड का एरिया होता है उसे ही प्लॉट एरिया कहते हैं। अभी आगे देखते हैं दोस्तों कि बिल्टअप एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों बिल्टअप एरिया यानी किसी फ्लोर का पूरा कवर एरिया जो होता है उसे बिल्टअप एरिया कहा जाता है। बिल्टअप एरिया में कौन सा एरिया शामिल होता है वो अभी आगे आपको बताता हूँ। बिल्टअप एरिया में दोस्तों लिविंग हॉल, रूम्स, बेडरूम, किचन, बालकनी, यूटिलिटी एरिया, स्टेयरकेस, शाफ्ट, वरांडा, टेरेस और वॉल का भी जो थिकनेस होता है वो भी बिल्टअप एरिया में शामिल होता है। दोस्तों आपने बिल्टअप एरिया के साथ सुपर बिल्टअप का भी नाम सुना होगा, तो जानते हैं सुपर बिल्टअप में कौन सा एरिया शामिल होता है। तो सुपर बिल्टअप में दोस्तों गार्डन, क्लब हाउस, जिम, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, ये सब एरिया सुपर बिल्टअप में काउंट होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि कारपेट एरिया क्या होता है, किसे कारपेट एरिया कहते हैं। तो नाम से ही आपको समझ लेना है कि कारपेट एरिया माने जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हो, उतनी जगह, खुली जगह जो होती है कारपेट बिछाने लायक, उसे कारपेट एरिया कहते हैं। इमेज में आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। और अगर मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, बताना चाहूं तो किसी एक फ्लैट के अंदर वॉल टू वॉल जो डिस्टेंस होता है, दो दीवार के बीच वाला जो अंतर होता है उसे कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया में वॉल थिकनेस काउंट नहीं होती दोस्तों। जैसे आपने देखा कि बिल्टअप एरिया में वॉल की थिकनेस भी काउंट होती है, कारपेट एरिया में वॉल की थिकनेस काउंट नहीं होती है। दो दीवार के बीच में आपको जो डिस्टेंस मिलता है वो कारपेट एरिया होगा आपका। कारपेट एरिया यह एक इंटरनल स्पेस होता है दोस्तों। दो दीवार, दो वॉल्स के बीच वाला जो एरिया होता है जिसे हम लोग एक्चुअल यूज करते हैं उसे कारपेट एरिया कहते हैं। जनरली कारपेट एरिया जो होता है वो सुपर बिल्डअप के 70-90% तक होता है। कारपेट एरिया में आपका हॉल, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्रेसिंग रूम, जितने भी अंदर के रूम्स है वो सब आते हैं। अभी हम कौन सा एरिया कारपेट एरिया में कवर नहीं होता ये समझते हैं। इंटरनल वॉल की थिकनेस, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस, ये कारपेट एरिया में काउंट नहीं होती है। कॉमन एरिया भी कारपेट एरिया में शामिल नहीं होता है दोस्तों। कॉमन एरिया जैसे स्टेयरकेस, लिफ्ट, प्ले एरिया, लॉबी, ये सब कारपेट एरिया में काउंट नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कारपेट एरिया। तो दोस्तों बहुत आसान है, बिल्टअप एरिया से आप अगर आप वॉल एरिया माइनस कर देंगे तो आपको कारपेट एरिया मिल जाएगा। बिल्टअप एरिया से वॉल एरिया माइनस कर देंगे तो आपका जो बचेगा वो एरिया कारपेट एरिया होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका बिल्टअप एरिया है 900 स्क्वायर फीट और वॉल का एरिया हम लोग अप्रॉक्स काउंट करते हैं कि 250 स्क्वायर फीट वॉल एरिया होगा। तो क्या करेंगे, बिल्टअप एरिया में से वॉल एरिया मतलब 900 में से 250 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 650 आपका कारपेट एरिया हो गया। या फिर आप अलग तरीके से भी कारपेट एरिया निकाल सकते हो, मेजरमेंट टेप से भी आप अपने घर का कारपेट एरिया निकाल सकते हो। जितना भी यूजेबल एरिया है उसको मेजर कर लीजिए, आपको आपका कारपेट एरिया मिल जाएगा। इसमें आपको वॉल टू वॉल मेजरमेंट करना होता है। तो दोस्तों ये वीडियो भी मैंने रिक्वेस्ट पे ऊपर ही बनाया हुआ है क्योंकि मुझे 2-3 कॉल्स आए थे कि सर कारपेट एरिया के ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत बार जंपलिंग हो जाती है। फ्रेशर स्टूडेंट्स को तो समझना जरूरी है, कभी कभार साइट पे भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है और ये बेसिक जानकारी है जो एक सिविल इंजीनियर को होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आज का वीडियो अपलोड किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।